है मेरे हुसैनाबाद पूरी स्वीट, और हम आपको दिखा रहे हैं हुसैनाबाद पूरी स्वीट। और यहाँ से थोड़ा टूर कराएंगे आप हुसैनाबाद पूरी स्वीट का। ये मेरे बिल्कुल सामने हुसैनाबाद पूरी स्वीट है। जैसे कि आप देख रहे हैं शाम पीछे आदमजी पार्क है, और सामने जो है सब पूल स्ट्रीट में अभी भी आपको बर्गर्स और काफ़ी चीज़ें मिलेंगी खाने को। कचरे के निज़ाम थोड़ा धर्म भरम है, या जितनी भी दुकान वाले हैं उनके साथ इशू ये है कि जितना भी कचरा है जो उनके कस्टमर्स आते हैं उनके लिए, वो क्या करते हैं कि वो रोड पर फेंक देते हैं कि भैया बड़े बड़े जो है कचरे के धार लेने चाहिए, जिसको भी कचरा फेंकना है वो डस्टबिन में फेंकें। तो ये आप देख रहे हैं कराची की हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट, और आपको लाइव मनाजिर में दिखा रहा हूँ कराची की हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट का। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो ट्रक खड़ा हुआ है ये सफाई के लिए खड़ा हुआ है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले यहाँ काम कर रहे हैं, मगर आपके सामने कचरा तो उठाया जा रहा है, रोड साफ नहीं किया जा रहा। रोड की सफाई भी बहुत ज़रूरी है, और लग ही नहीं रहा कि हमें कि बाशऊर कौम है कचरा इतना फैला देते हैं। तो सामने जो है हुसैनाबाद पूरी स्ट्रीट चल रही है, मेरे सीधे हाथ पे काची आइसक्रीम, उल्टे हाथ पे बाबा रबड़ी है, यहीं तैयबीज़ है, बोलान सब्जी भी यहीं बना हुआ है। फिर उल्टे हाथ पे जो है मेमन फाउंडेशन का रास्ता जा रहा है, सामने ही मेमन मस्जिद है, और उल्टे हाथ पे काका भवानी बना हुआ है। तो ये है हुसैनाबाद पूरी स्ट्रीट जो आपको दिखा रहा हूँ, और मेरी स्ट्रीट जो है हुसैनाबाद पूरी स्ट्रीट की काका भवानी चौरंगी है। अच्छा, ये मतबादल रास्ता आपको दिखाता हूँ मैं करीमाबाद अंडरपास के हवाले से। ये काका भवानी चौरंगी है, अगर आप हुसैनाबाद पूरी स्ट्रीट से आ रहे हैं नाथवाद जाने के लिए, ये आप सामने ईसा नगरी से आ रहे हैं हुसैनाबाद, या हुसैनाबाद पूरी स्ट्रीट से आ रहे हैं आपका, या ईसा नगरी से आ रहे हैं, या गुलशन से आप आ रहे हैं, तो आपको जो मतबादल रास्ता लेना है आपको दिखाता हूँ। वहाँ से मुतबादल रास्ता है उस्मान मेमोरियल मेरे उल्टे हाथ में बना हुआ है, यहाँ से आपने लेना है स्ट्रेट, तो ये बन रहा है अंडर पास। तो आप अंडर पास से, तो अब आप यकीनन वाकिफ़ है कि अंडर पास पर जो है मामला थे, आप जो है वह गाड़ी ले जा नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप उस्मान मेमोरियल की उल्टे हाथ वाली रोड से टर्न करेंगे, और टर्न करने के बाद जो है आप जाएंगे स्ट्रेट, और जब स्ट्रीट जाएंगे तो दिसंबर का ब्रिज आएगा, ब्रिज के नीचे से आप यू करेंगे, जब यू टर्न करेंगे तो आपके पास आएगा आयशा मंजिल, वाटर पम्प और नाथवाबाद जाने के लिए रास्ता। तो ये अपडेट है कराची की करीमाबाद की। थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ अंडरपास बनाया जा रहा है, आपको अंडरपास का मैं थोड़ा लुक दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। सामने ही जो है अंडरपास है, ये आप सामने देख सकते हैं, ये बन रहा है सामने अंडरपास। और अंडरपास का अगर मैं बात करूँ तो बहुत तेज़ी में बन रहा है, तीन मरहलों में अंडरपास बन रहा है। पहला मरहला काका भवानी चौरंगी से स्टार्ट है, और पहला मरहला काका भवानी चौरंगी से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा है मीना बाज़ार तक, दूसरा मरहला ब्रिज के नीचे वाला है, तीसरा मरहला जो है वो मूसा कॉलोनी वाला है। आप देख सकते हैं सामने ये अंडर पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है करीमाबाद के अंडर पास की बात अगर करूँ तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है करीमाबाद के अंडर पास। और आप देख सकते हैं कि पहला मरहला जो है यहाँ स्टार्ट हो रहा है, और मीना बाज़ार तक जा रहे हैं तो इन्होंने थोड़ा बहुत बना दिया है। दूसरा मरहला ब्रिज के नीचे, और तीसरा मरहला जो है वो मूसा कॉलोनी की तरफ है। तो प्रॉपर यहाँ काम हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये अंडरपास है, अंडरपास का जो स्टार्ट है वो यहाँ से हो रहा है। रास्ता फिलहाल